कर हाजिर हूं यहां पर कमोडिटी बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि आज गुरुवार के दिन कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है। आज कमोडिटी बाजार का हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है वायदा बाजार का। कल को होली है, आप सभी को एडवांस में होली की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर शनिवार का दिन हो जाएगा जब कमोडिटी बाजार पूरा बंद ही रहता है। तो ऐसे में आज जानेंगे कि कमोडिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, कैसा खुलता नजर आ रहा है और उस पर रुपए महत्व की क्या राय रहेगी। शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज़ में सोने और चांदी से। तो सोने चांदी में देख रहे हैं कि आज हल्की सी बढ़त बनती नजर आई है कल के मुकाबले। सोने चांदी की जो कीमतें हैं उनमें एक हल्की सी रौनक लौटी है, ज़्यादा तो नहीं कह सकते लेकिन ये कह सकते हैं कि हाँ बहुत ही मामूली सी बढ़त है। गोल्ड इस वक्त इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर $1937 पर ट्रेड कर रहा है, 1.5% की बढ़त है। सिल्वर $25.4 पर ट्रेड कर रहा है 3% की बढ़त के साथ। देख रहे हैं सिल्वर जो कि कल के कार्रवाई सत्र में $25 से नीचे लुढ़क चुकी थी वो अब $25 के ऊपर ट्रेड कर रही है, और गोल्ड जो $1914-1915 पर ट्रेड कर रहा था 1937 पर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप गोल्ड सिल्वर में क्या करके चलना सही रहेगा, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर में कल के मुकाबले आज हल्की सी बढ़त देखने को मिली है। यूएस फेड की बैठक भी खत्म हो चुकी है जिसमें उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है, तो ऐसे में इसका असर गोल्ड और सिल्वर की कीमतों पर कितना देखने को मिल सकता है? देखिए अभी फिलहाल जो देखने को मिल रहा है सोने का, इसके ऊपर इम्पैक्ट तो नेगेटिव आना चाहिए था और प्राइजेस जो है वो नीचे जाने चाहिए। और अभी हम देख रहे हैं कि विदेशी बाजारों में कहीं ना कहीं मार्केट में सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है, और जो गिरावट थी यानी कि यूं कहें कि जो एक्सपेक्टेड था कि इंटरेस्ट रेट में हाई किया जा सकता है और उसको बाजार पहले ही भांप गया था, और उसके चलते हमने देखा भी कि सोना ऊपरी स्तरों से काफी लुढ़का भी था और अब थोड़ा सा संभलता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी बाजारों में कोई बहुत ज्यादा अभी तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अभी लग रहा है कि 1900 से लेकर $1940 1960 मैक्सिमम एक बार अपसाइड में बाजार रह सकता है, यानी कि साइडवेज मोमेंटम एक्सपेक्टेड है कि फिलहाल बाजारों में देखने को मिल सकती है। जी रूपा जी, इसी के साथ घरेलू वायदा में गोल्ड सिल्वर के क्या लेवल्स रह सकते हैं? देखिए घरेलू वायदा की अगर बात करें तो घरेलू वायदा में भी एक्सपेक्टेड है कि सोने के अंदर हल्की गिरावट के बाद वापस से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है और प्राइजेस जो है थोड़ा सा स्टेबल हो सकते हैं। जो लगातार हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तेजी बनेगी या फिर जो करेक्शन थी वो कहीं ना कहीं अब रुकती हुई दिखाई दी है और वापिस से बाजार जो है वो खरीदारी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते हम मान सकते हैं कि चांदी जो है वो फिलहाल जो रेंज बनाती हुई दिखाई दे रही है वो 67,000 से लेकर 69,000-70,000 तक चांदी की रेंज हो सकती है, और सोने की जो रेंज देखने को मिल रही है 51,000 से लेकर 52,000 के बीच में फिलहाल बाजार ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर आप क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में देख रहे हैं कि ब्रेंट क्रूड ऑयल आज भी $100 के नीचे ही है, WTI भी $100 के नीचे है। रूपा जी आपको क्या लगता है, अब क्या कच्चे तेल का बाजार ऐसे ही सुस्ती के साथ रहेगा या फिर अभी भी कुछ उम्मीद है कि ब्रेंट क्रूड और WTI फिर से $100 के ऊपर हो जाएं? देखिए अगर स्थिति नॉर्मल हो जाती है तो कच्चे तेल में गिरावट बढ़ सकती है, अदरवाइज यहाँ से वापसी से कच्चा तेल बाउंस लेता हुआ दिखाई दे सकता है, और जिस तरीके का अभी सिनेरियो है वो अभी यही है, $90 से लेकर हम मान रहे हैं कि एक बार $100 के बीच में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। सभी बाजार जो है भूख गए हैं और एक कंसोलिडेट फेस में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो तेजी आ रही थी वो थमी है गिरावट के साथ, और अब बाजार जो है वो फिलहाल रेंज बाउंड है। और अभी एक्सपेक्टेड है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई खत्म होती है तो क्रूड में गिरावट बढ़ सकती है, और क्योंकि रूस दुनिया में क्रूड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, और यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका और यूरोपीय देश ने रूस पर कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है, जिसकी वजह से कच्चे तेल में तेजी आते हुए देखी थी, और अब जो रेंज बन रही है वो $90 से लेकर $100 के बीच में फिलहाल बाजार घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। और वहीं अगर घरेलू बाजारों की बात करें तो घरेलू बाजारों में भी जो लेवल है वो 7,000 से लेकर 7,500-7,600 फिलहाल ये रेंज बनती हुई दिखाई देती है। जी रूपा जी, रशिया ने भारत को बोला है कि आग्रह किया है कि जो भारत है वो रशिया से उसका कच्चा तेल डिस्काउंट पर खरीदे। रूपा जी अगर रशिया से भारत के अंदर डिस्काउंट पर कच्चे तेल की सप्लाई होती है, इंपोर्ट होता है, तो क्या कच्चे तेल की कीमतों में और गिरावट बनेगी? देखिए बिल्कुल कच्चे तेल की कीमतों में आगे चलकर गिरावट का रुझान बन सकता। जी इसके साथ रूपा जी बात करें यहाँ से अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में आपको क्या लगता है? एक तो एक तरफ रशिया यूक्रेन वॉर है जिसकी वजह से हमने बेस मेटल्स में और
और बहुत अच्छी तेजी आते हुए देखी है। दूसरी तरफ चाइना में कोरोना बम एक बार फिर से फूट चुका है, कोरोना के जो केसेस हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, दोनों ही फैक्टर्स को नजर में रखते हुए बेस मेटल्स में कैसा रुझान रहेगा? अगले देखिए बेस मेटल में रुझान तेजी का बनता हुआ ही दिखाई दे रहा है और हमने अच्छी रैली इस बार भी देखी है। और अब जो सिनेरियो बन रहा है जिस तरीके से चाइना के अंदर स्थिति खराब होती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बेस मेटल में वापस से सपोर्ट आ सकता है और कीमतों में एक तेजी बन सकती है, चाहे वो कॉपर हो। कॉपर देखिए वापिस की एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया है और 800 के ऊपर कॉपर भी ट्रेड कर रहा है, तो अभी फिलहाल रेंज बाउंड हो सकता है 780 से लेकर 820, इस रेंज में फिलहाल बाजार कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन जो भी करेक्शन आए उसमें बेस मेटल्स के अंदर बाइंग में रहना चाहिए। जी रूपा जी, टॉपिक्स के देना चाहेंगी आप आज नॉन एग्री कम्युनिटीज में? देखिए आज मुझे लगता है कि क्रूड में थोड़ा सा पॉजिटिव रह सकता है आज का मार्केट, तो क्रूड के अंदर बाइंग पोजीशन बनाया जा सकता है। इनफैक्ट सोना चांदी भी आज इंट्राडे में पॉजिटिव जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि क्रूड में बाय करके चला जा सकता है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज की।